और बेगूसराय पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी करने के दौरान भारी मात्रा में 35 जिंदा कारतूस एवं 2 देसी कट्टा के साथ पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी डंडारी थाना क्षेत्र के तेतरी गांव से की गई है और इस घटना के संबंध में एसपी मनीष ने बताया है कि तेतरी गांव में एक गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में हथियार के साथ अपराधी छिपा हुआ है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इसी सूचना के आधार पर बलिया डीएसपी नेहा कुमारी के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। मौके पर वारदात से पिता और पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। तलाशी ली गई है तो भारी मात्रा में जिंदा कारतूस एवं 2 देसी कट्टा बरामद हुआ है। एसपी मनीष ने बताया है कि इंद्रजीत सिंह और पुत्र रोशन कुमार के द्वारा भारी मात्रा में अवैध हथियार रखकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। रात एसएचओ डंडारी को सूचना मिली थी और एसडीपीओ बलिया के निर्देशन में ये सब जो छापेमारी की गई, ग्राम तेतरी पड़ता है डंडारी थाना अंतर्गत, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनके नाम हैं इंद्रजीत सिंह उर्फ इनू सिंह, पिता स्वर्गीय उदय सिंह तेतरी के निवासी, उनके बेटे हैं रोशन कुमार उर्फ गुर्जर, पिता इंद्रजीत सिंह, दोनों तेतरी, जिसके बारे में जानकारी मिली थी कुछ लोग अवैध हथियार गोली के साथ रखे हुए हैं और कुछ घटना को प्लान कर सकते हैं। तो ये जो 2 लोग अरेस्ट हुए हैं ये आप रिश्ते में बाप बेटा हैं। एक पहले जो पिता को पकड़ा गया उसके पास से एक हथियार, एक देशी अग्न्यास्त्र और 5 गोलियां, और 2 बेटे के पास से दूसरा अग्न्यास्त्र एवं 30 गोलियां बरामद की गई। तो कुल मिला के 2 देशी कट्टे हैं ये और 35 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया। एक अच्छी रिकवरी है और समय रहते डंडारी पुलिस और एसडीपीओ बल्लिया के हुए निर्देशन में हम लोगों ने एक संभावित घटना को टाल दिया है। रिगार्डिंग कि ये कहाँ से लाया गया था, इसका क्या फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज है, दैट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन और वो अभी उनसे पूछताछ चल रही है। मकसद क्या था दोनों का, कुछ पता चला है? अभी पूछताछ चल रही है, कुछ बातें हैं जो कि उस पर डेवलपमेंट हो जाएगा तो आपको